पृथ्वी। ओके, तो इसमें बताया गया जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परतें हैं वो कभी स्थिर नहीं रहती हैं, वो हमेशा खिसकती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि कुछ मिलीमीटर को सेंटीमीटर ही खिसकती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। ओके, कभी कभार भूकंप आता है और बहुत सी प्रक्रियाएँ होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे जो हमारी ये पृथ्वी है, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो ऊपरी परत है उनमें परिवर्तन होता है, तो किसी भी परिवर्तन के लिए हमें किसी फोर्स या बल की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ये बल कहाँ से लग सकता है? तो ये एक बल या तो पृथ्वी के अंदर की परतों से लगेगा या फिर ये पृथ्वी के बाहर से लगेगा। ओके, जो अंदर से लगेगा तो इसीलिए इसको अंतर्जात बल बोल देते हैं, और जो बाहर से लगता है उसे बहिर्जात बल बोल देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये दोनों बल कैसे लगते हैं और कैसे कार्य करते हैं और पृथ्वी के स्वरूप में कैसे परिवर्तन करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों से मिलकर बना है। आखिर ये प्लेट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों हमारा स्थलमंडल है वो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी का ऊपर का जो आपको दिख रहा है यही स्थलमंडल है। तो स्थलमंडल है दोस्तों ये कई खंडों में डिवाइडेड है, मतलब टूटा हुआ है, इस तरह से कई भागों में टूटा हुआ है, छोटे बड़े भागों में टूटा हुआ है। तो जो इसका एक खंड है दोस्तों, इसी एक खंड को प्लेट बोलते हैं, प्लेट का नाम दिया गया है। अब प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, अब देखिए इसमें यही बताया गया है, जो हमारा स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसमें स्थलमंडलीय प्लेट या स्थलमंडलीय प्लेट इसे कहते हैं। ओके, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमेशा ये जो प्लेटें होती हैं वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष ये केवल कुछ जो मिलीमीटर होती हैं लगभग उतना खिसकती हैं। ओके, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मे में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से मूव करती है, आप इस डायरेक्शन में सोचिए। और इसमें बताया गया कि जो मैंने अभी बताया था इस वाले जो डायग्राम में, कि किसी भी परिवर्तन के लिए कोई बल कार्य करता है, ये बल या तो अंदर से लग सकता है या बाहर से लग सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको एंडोजेनिक फोर्स या फिर एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया रखा है कि पृथ्वी की गतियाँ, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, एक आंतरिक बल के कारण और बाहर बल के कारण। आंतरिक बल को भी दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं, एक आसमिक बल होता है जिसको सडन फोर्स बोलते हैं, दूसरा पटल विरूपण होता है। पटल विरूपण होता है जो बहुत ही हल्के स्लोली स्लोली हमेशा चलता रहता है। ओके, अब देखिए जो आकस्मिक बल होता है, सडन बल होता है, उसमें आता है जैसे कि भूकंप अचानक आता है और बहुत बड़ी तबाही मचा जाता है। ओके, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर आपको ज्वालामुखी पर्वत, कटक और बहुत सी संरचनाएँ देखने को मिलेंगी। और इसी तरह जो भूस्खलन होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र में आपको ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आता है और डंप हो जाता है और स्थल स्वरूपों में काफ़ी परिवर्तन कर देता है। इसी तरह जो पटल विरूपण होता है दोस्तों, इसके द्वारा पर्वत का निर्माण होता है, जैसे कि जहाँ पर दो परतें आकर के अभिसरण होता है वहाँ पर पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। बलित पर्वत होते हैं दोस्तों, उनका निर्माण होता है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ओके, और बाहिर्जनित जो फोर्स होते हैं इनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा स्थल स्वरूपों में परिवर्तन आता है। जैसे कि नदी जब बहती है तो दोस्तों कटान करती है और एक बी जो घाटियों का निर्माण करती है, जैसे बी घाटी, यू घाटी, इस तरह की घाटियों का निर्माण करती है। और मैदान में जाती है तो बिसर्प और गुकरजुइल ऐसी चीज़ों का निर्माण करती है। और जहाँ पर आप देखेंगे बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है, जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, तो बहुत सी स्थलाकृतियों का ये निर्माण करती है और बहुत ही स्थल स्वरूपों में परिवर्तन करती है। इसी तरह पवन होती है, वो भी परिवर्तन करती है। समुद्री तरंगे होती हैं, ये भी कटान और निक्षेपण का काम करती है। और हिमनद होते हैं, वो भी। अब हम वन बाई वन इनको देखते हैं। अब देखिए मैं ये सारी चीज़ें हैं इनको आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने सिनॉप्सिस बनाया इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें अपरदन और निक्षेपण इसमें बताया गया है। नदी होती है दोस्तों, नदी जब मैदानों में चलती है तो वो ऐसे इस तरह से विसर्प बनाती है। ओके, ये विसर्प बनाती है और क्या करती है दोस्तों, कटान एक जगह कटान करती है, दूसरी जगह उस अपसाद होते हैं जो मलबा होता है उसका डिपोजिशन करती रहती है। ओके, तो इससे क्या होता है, एक यहाँ पर क्या बना दोस्तों, विसर्प बने।
ये देखिए बाढ़ का मैदान बना, और आपको यहाँ पर तटबंध भी देखने को मिलेंगे। जब भी आप कभी नदी नहर पर जाएंगे तो आपको दो ऊंची से रास्ते दिखाई देंगे जिन पर आप चल सकते हैं, टहल सकते हैं, तो उनके लिए तटबंध बोलते हैं। ओके, इसी तरह जो गोखुर झील होता है उसका भी निर्माण इसी तरह होता है। अब गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ऑक्सबो लेक होता है और इसको चाप झील भी बोलते हैं। अब जैसे ये चट्टान होती है, वो सॉरी ये नदी होती है दोस्तों, जब ये बहती है तब ये इस तरह ऐसे कटान करती रहती है, और ये देखिए इस तरह से मिल जाती है। जब ये मिल जाती है तो इसका ये वाला भाग होता है दोस्तों, ये कट के अलग हो जाता है और इस तरह से आपको एक झील का निर्माण करती है। ओके, अब ये झील होती है, बाद में इसका पानी सूख जाता है, फिर ये दलदल भूमि में परिवर्तित हो जाती है। दलदल भूमि के बाद हल्के हल्के और सूख जाता है, फिर ये बाद में एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या क्या निर्माण करता है। और जो नदी होती है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का निर्माण कैसे करती है, जब पानी ऊंचाई से गिरता है और ऊपर की चट्टान कठोर होती है, नीचे की मुलायम होती है, तो वो इस तरह से कट जाती है। जब वो कट जाती है दोस्तों, तो जल होता है वो इस तरह झरने की टाइप का गिरता है, तो जिसे जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है, आप इसको कभी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे झरने हैं। अब देखिए इसी तरह डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि सुंदरवल का डेल्टा है जो काफ़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा। जब नदी होती है, जब वो अपनी एकदम लास्ट स्टेज में होती है, जब वो बहुत सारे अवसाद होते हैं उनको ले जाने में कैपेबल नहीं होती है, तो उस जो भी उसके साथ जो अवसाद होता है उसका वो डिपोजिशन करने लगती है। अवसाद यानी कि छोड़ने लगती है। जब अवसाद छोड़ने लगती है तो जब वो ऐसे ऐसे अवसाद छोड़ देती है तो क्या होता है दोस्तों, वो इस तरह से छोटी छोटी नलकाओं में बहने लगती है। ओके, इस तरह से छोटी छोटी नलकाओं में बहने लगती है, और देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि जो सुंदरवन का डेल्टा है आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव पाए जाते हैं और वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि समुद्री तरंगों के द्वारा किस तरह से स्थल स्वरूपों में परिवर्तन होता है। तो देखिए जब तरंगें चलती हैं, जब समुद्र होता है दोस्तों, समुद्र के ऊपर हवा चलती है, जब हवा चलती है वो हवा के कारण समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री तरंगे उत्पन्न होती है तो वो निरंतर एक दिशा में चलती रहती हैं। अगर आप समुद्रों के किनारे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी लहरें हमेशा उठती रहती हैं। तो जो तरंगे होती हैं वो किसी चट्टान से टकराती हैं, टकरा करके इस तरह से एक होल बना देती हैं किसी चट्टान में, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक होल बना देती हैं। तो इसी के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, समुद्री गुफा या फिर सी केव के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हो, लेकिन ये वेव होती हैं, समुद्री वेव होती है, हमेशा चलती रहती हैं, ये टकराती रहती हैं। तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि ये चीज़ टूट जाती है और इस तरह से सिर्फ बसता है। ओके, किस तरह से, इस तरह से सिर्फ कुछ बसता है। ओके, इस तरह से कुछ बसता है। क्या होता है दोस्तों, इसके ये सारा भाग है ये टूट जाता है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये सारा भाग टूट जाता है तो इस तरह से सिर्फ छत बसती है, यानी कि जो ये छत है ये सिर्फ बसती है। तब इसके लिए नाम दिया जाता है टटीय मेहराव। तो दूसरी स्थलाकृति कब बनती है, टटीय मेहराव। पहली कौन सी है, समुद्री गुफा। ओके, जब टटीय मेहराव बनती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो ऊपर की छत होती है ये भी टूट जाती है, तब क्या बसता है, केवल दो स्तंभ टाइप के बसते हैं, केवल जो स्तंभ बसते हैं, इसी स्तंभ को स्टैक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब क्या होता है, जो समुद्री तरंगे होती हैं जब ये चलती रहती हैं और ये तट की ओर आती हैं, ओके तट की ओर आती हैं, तो अपने साथ जो ये चट्टानों को तोड़ी फोड़ी होती हैं, तो इसमें जो अवसाद होता है वो ला करके एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं तट के किनारे। अगर आप तट के किनारे जाएंगे तो आपको बहुत सारी रेत देखने को मिलेगी और छोटे छोटे आपको कण देखने को मिलेंगे। इसी के लिए दोस्तों पुलीन के नाम से जाना जाता है। जो अवसाद होता है, जो समुद्री तरंगों के द्वारा अवसाद लाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री पुलीन बोलते हैं। जो इस तरह से आपको बहुत सारे देखने को मिलेगी, इस पे लोग नंगे पांव चलते हैं और काफ़ी खूबसूरत, मतलब इसमें सुगंध बहुत अच्छी आती है दोस्तों। अगर आप कभी आपको मौका मिले समुद्र किनारे जाने का तो आप इसका ज़रूर लुत्फ़ उठाइएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया रखा है कि आप अगर समुद्र के किनारे जाएंगे तो कहीं कहीं पर आपको बहुत ऊँचे तट देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसे तट देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऐसे करके समुद्री तरंगें आती हैं और इससे टकराती रहती हैं। जो ऊंचे तट होते हैं, एकदम इस तरह से ऊंचे तट होते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में होते हैं, खड़े खड़े होते हैं, तो इन्हीं के लिए समुद्री भृंगु का नाम दिया गया है। तो ये कुछ वोकैब हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या था,
एक समुद्री केप था, जैसे आप देख सकते हैं एक समुद्री केप था, दूसरा तटीय मेहराव है, और तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्टैक है, और यहाँ पर समुद्री पुलीन है, इसी तरह समुद्री भृंगु है। ओके, अब पवनों के द्वारा हम देखते हैं कि कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब ये दोस्तों आप रेगिस्तान में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की स्थलाकृतियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर पवनें होती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम शुष्क होता है, तो पवनों का जो प्रभाव होता है वो दोस्तों नीचे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इस तरह की स्थलाकृति निर्माण करती हैं कुछ छत्राकार। ओके, इसीलिए इसे मशरूम या छत्रक सेल का नाम दिया गया है। नीचे जो पवन होती है वो अधिक तीव्र होती है, घर्षण अधिक होता है, तो नीचे की चट्टान होती है वो ज़्यादा कट जाती है, ऊपर की नहीं कटती है, तो इसीलिए छतरी का रूप ले लेती है। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरह का छतरी जैसा जब आकार हो जाता है किसी चट्टान का, तब इसी के लिए छत्रक सेल का नाम दिया गया। इसका क्या होता है, आधार संकीर्ण होता है, यानी कि आधार की जो मोटाई होती है वो कम होती है, लेकिन जो शीर्ष होता है वो काफ़ी मोटा होता है। ओके, आप इसी तरह जो बालू के टिब्बे होते हैं, बालू के टिब्बे के द्वारा आपने कभी ऐसे एक टाइगर जिंदा है शायद उसमें एक सॉन्ग है, अगर आपने वो सुना होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा सा रेगिस्तान है, उसमें आपको छोटी छोटे ऐसे रेत के छोटी छोटी पहाड़ियाँ टिब्बे देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसी के लिए लोइस बोलते हैं, और इसको लोइस का मैदान बोलते हैं, जब ये विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है तो इसी को लोइस के मैदान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं हीम के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब हीम होता है दोस्तों, हीम नद होता है, हीम नद किसे कहते हैं, हीम की नदियों को हीम नद बोलते हैं। ओके, जब हीम नद चलती हैं तो वो बहुत बड़ी मात्रा में जो चट्टानें होती हैं उनका कटाव करती हैं, और बड़े बड़े गोले होते हैं उन्हें गोलास्मी मिट्टी बोलते हैं। ओके, गोलास्मी मिट्टी क्या होती है, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब नीचे से जाती है खिसकती है तो घर्षण के कारण वो बड़े बड़े टुकड़े बना देती है चट्टानों का, और अपने साथ उन्हें ले जाती है। ओके, तो इसी को गोलास्मी मिट्टी बोलते हैं, और साथ में जो पत्थर होते हैं उनका भी अपरदन होता रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि यहाँ से जो बर्फ़ है, मान लीजिए ये बर्फ़ का वो है, ओके, अब ये खिसका, अब यहाँ पर जब ये खिसक गया तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गड्ढा बन जाता है। जब यही गड्ढा दोस्तों बाद में बारिश होती है या फिर गर्मी का मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बर्फ़ पिघल जाती है, और पिघल के इसमें पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो ये झील का निर्माण हो जाता है, और ये झील काफ़ी खूबसूरत होती है दोस्तों, इसमें लोग जाकर के काफ़ी लुत्फ़ भी उठाते हैं, बोटिंग भी करते हैं, और मछली उछली भी जाकर के पकड़ते हैं। ओके, देखिए इसमें यही बताया गया, जो गर्त बन जाता है, यही गर्त जब जल से भर जाता है तो उससे झील का निर्माण होता है। ओके, और जो भी जो दोस्तों जो भी हिमनद होती है अपने साथ जो भी अपसाल लेकर के आती है उसे हिमोड़ बोलते हैं। हिमोड़ किसे बोलते हैं दोस्तों, हिमनद के द्वारा लाए गए अपसाद को ही हिमोड़ बोलते हैं। ओके, तो इसको आपको गलत नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी की तरफ दोबारा से चलते हैं। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें वही दी रखी होंगी, अगर आप पढ़ेंगे, ये मैंने बताया था भूकंप, यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा भूकंप के बारे में नहीं बताया गया था दोस्तों। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। लेकिन भूकंपीय तरंगें जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आपको भूलना नहीं है। ओके, यानी कि जो दोस्तों जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और यहाँ से दो तरंगें निकलती हैं। ओके, एक पहली वेव होती है पी वेव, ओके, और दूसरी वेव होती है जो निकलती है, लेकिन इसकी गति कम होती है इसलिए ये अधिकेंद्र पर बाद में पहुँचती है, इसीलिए इसको एस वेव। पी वेव का मतलब प्राइमरी वेव या प्राथमिक वेव, एस वेव का मतलब इसको सेकेंडरी वेव या फिर आप द्वितीय वेव के नाम से जानते हैं। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वेव और एस वेव। अब जब ये पी वेव और एस वेव यहाँ पर टकराती हैं, जब ये टकराती हैं तब यहाँ से एल तरंग की उत्पत्ति होती है, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तब यहाँ पर एल वेव की उत्पत्ति होती है, और एल तरंग काफ़ी ख़तरनाक होती है। ओके, तो अगर पूछा जाए पी तरंग यहाँ पर सबसे पहले पहुँचती तो आप बता सकते हैं पी तरंग होती है उसकी गति तेज होती है। ओके, जो एस वेव होती है उसकी गति कम होती है, लेकिन जो पी तरंग होती है वो कम घातक होती है, एस तरंग अधिक घातक होती है, और एल वेव सबसे घातक होती है क्योंकि वो पी और एस के टकराने से ही उत्पन्न होती है। जब पी वेव और एस वेव अधिकेंद्र पर आकर के टकराती हैं तब एल वेव की उत्पत्ति होती है। ओके, अगर हम पी वेव की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये किस तरह की होती है दोस्तों,
ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ओके, जैसे कि अगर वेव इस दिशा में जा रही है, मैं आपको ब्लैक बैन से दिखाता हूँ, अगर वेव इस दिशा में जा रही है तो इसमें कणों का कंपन होगा, इसके समानांतर होगा और आगे पीछे होगा पी वेव में दोस्तों। ओके, और ये किस तरह की होगी, अनुदैर्ध्य प्रकार की होगी। और जो एस वेव होती है दोस्तों, जो एस वेव है ये होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि तरंग इस दिशा में जा रही है तो इसमें जो कणों का कंपन होगा वो ऊपर नीचे होगा, कैसे होगा, ऊपर नीचे होगा कणों का कंपन। ओके, अब एल वेव की बात आती है तो एल वेव होती है दोस्तों वो दोनों तरह की होती है, यानी कि उसमें कणों का कंपन आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। ओके, अब अगर हम पी वेव की बात करें दोस्तों तो ये किस तरह की होती है दोस्तों, ये साउंड वेव की तरह होती है। जो पी वेव होती है वो किसके समान होती है, वो साउंड वेव के समान होती है। ओके, लेकिन जो एस वेव होती है ये किसके समान होती है, ये लाइट वेव के समान होती है, लाइट वेव के समान होती है, इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो लाइट वेव के समान होती है। और जो पी वेव होती है दोस्तों, इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, ये तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। ओके, जो पी वेव होती है वो तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, मतलब ये ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, लेकिन जो एस वेव होती है ये केवल ठोस में चलती है। आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है, जो एस वेव होती है वो सिर्फ ठोस में चलती है, पी वेव होती है वो तीनों में चलती है। और यहाँ पर आप और सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन अनुप्रस्थ है, कौन अनुदैर्ध्य है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी नहीं दी रखी है जितनी मैंने अभी इसमें दे दी है। ओके, तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर क्लियर करके, जिससे आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएं। ओके, आप देख सकते हैं जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं सतह पर, उस बिंदु को या उस केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो पी तरंग और एस तरंग दोनों एक साथ उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले कौन पहुँचेगी, पी पहुँचेगी, क्योंकि पी की गति अधिक होती है इसलिए पी पहले पहुँचती है। और दूसरे नंबर पर इसी पॉइंट पर अधिकेंद्र पर कौन पहुँचेगा, एस तरंग पहुँचेगी। ओके, अब हमने बात की थी जो पी तरंग पहले पहुंची है और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग। ओके, और ये किसकी तरह होती है, ये साउंड वेव की तरह होती है। और एस वेव होती है वो किसकी तरह होती है, लाइट वेव की तरह होती है। ये किस तरह की होती है, ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है और ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, यानी कि इसका जो कणों का कंपन है वो समानांतर होता है और इसमें ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे होता है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, यही इसमें बताया गया, और कुछ इसमें विशेष नहीं बताया गया। ओके, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निम्न में से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो आप इसमें बता सकते हैं किनारा। जैसे हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है, मैंने अभी बताया था जो हिमनद हैं वो अगर अपने अपसादों का निक्षेपण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हिमोड़ कहते हैं। ओके, इसी तरह पृथ्वी की जो आकस्मिक गतियों के कारण निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो जो आकस्मिक होती है उसमें कौन सी, ज्वालामुखी था, भूकंप था। ओके, तो आप इससे याद रख सकते होंगे। इसी तरह जो छत्रक सेल होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, मैंने बताया था ना दोस्तों, छत्रक सेल होती हैं वो जहाँ पर पवने तेज चलती हैं, रेगिस्तान जैसी जगह होती है, क्योंकि वहाँ पर शुष्क होती है ना दोस्तों, आर्द्रता कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कटाव ज़्यादा होता है। ओके, तो रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह दोस्तों चाप झील होती है वो आपको नदी घाटी में देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। इसमें देखिए वायु के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो वायु है दोस्तों, हमारा वायुमंडल है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, जैसे इसमें बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है, जो हमें कई सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है, जैसे सूर्य की जो पैराबैनिक किरणें हैं उनसे रक्षा करता है। और डायरेक्ट जो दोस्तों अगर कोई भी पिंड होता है, अगर आकाशीय पिंड होता है वो हमारी पृथ्वी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो जल के राख हो जाता है, वो हमारी पृथ्वी पर आकर के नहीं टकराता है। साथ में जो और वायु हमें जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन होती है वो प्रदान करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया रखा है वायुमंडल का संगठन। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओके, नाइट्रोजन गैस है वो 78% के आसपास पाई जाती है और ऑक्सीजन है वो 21% के पास में,
और इसी तरह जो आर्गन है वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और इसके अलावा जितनी सारी गैसेस हैं वो बाद में आती होगी। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे है आर्गन, चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवें नंबर पर है आप सॉरी ये पांचवें नंबर पे नहीं, इसमें बहुत सारी गैसेस शामिल की गई हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और जो जितनी भी हैं वो सब इसमें आती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, इसमें बताया गया कि हम लोग कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी आते हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन के यूज़ करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और इसमें साथ में बताया गया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यकता होती है, जो पादप होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो वायु से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ओके, वो इससे नहीं लेते हैं बल्कि इसकी जगह पे क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं वो वायु से इस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और उससे ये पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं और फिर बाद में वो अपना भोजन बनाते हैं। ओके, इसी तरह बताया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ये संतुलन बना रहता है। लेकिन इंसान ने क्या किया दोस्तों, इंसान अब और भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसका उत्सर्जन करने लगा, जैसे उसने कारखाने लगाए, वाहनों का यूज़ करता है और कोयला, ईंधन, इन चीज़ों का दहन करता है, तो इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो एक ग्रीन हाउस गैस होने के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ा देती है। इसमें बताया गया अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो रात में हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि हम इस पर नहीं रह सकते। ओके, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, ये अधिक से अधिक मात्रा में जो ऊष्मा होगी उसे पृथ्वी पर रोकने लगेगी, इससे क्या होगा, पृथ्वी गर्म होने लगेगी, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी, इससे कई सारी पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इतना ही इसमें बताया गया, लेकिन अब देखिए नीचे हम देखते हैं इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया गया कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी परतें हैं, नंबर एक क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्षोभ सीमा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर ऊपर आपको समताप मंडल, समताप मंडल के जस्ट ऊपर आप जैसे जाएंगे तो आपको समताप सीमा देखने को मिलेगा, फिर आपको मध्य मंडल, फिर आप जैसे ही और ऊपर जाएंगे फिर आपको बाहर मंडल देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए मैं इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जो क्षोभ मंडल हैं ये आपको 8 से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो क्षोभ मंडल है दोस्तों इसकी इक्वेटर पर लंबाई या मोटाई कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो अधिक होती है। कहाँ पर, इक्वेटर का मतलब होता है दोस्तों 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, उससे इक्वेटर विषुवत रेखा बहुत नामों से जाना जाता है। ओके, अगर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी इक्वेटर पर मोटाई ज़्यादा क्यों है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो ध्रुव होते हैं 90 डिग्री के आसपास नॉर्थ या साउथ, ओके, यहाँ पर इसकी मोटाई कम होती है, लगभग में 8 से 12 किलोमीटर के बीच में होती है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों के पास में हम सभी जानते हैं यहाँ पर तापमान कम होता है। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं, पहली बात हमने कर ली कि क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी होती है, तो 10 से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी, और इक्वेटर पर ज़्यादा होगी और जो ध्रुवों पर कम होगी। दूसरा क्या है इसका पॉइंट, कि जो क्षोभ मंडल होता है दोस्तों यहाँ पर मौसम से संबंधित सभी परिघटनाएँ होती हैं वो यहाँ पर ही होती हैं। तो जैसे कि बादल का बनना, बारिश का होना, कोहरा बनना, ओस का गिरना, जो भी वायुमंडलीय जो मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं वो सब यहाँ ही होती हैं क्षोभ मंडल में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगी क्षोभ सीमा, अब ऊपर जाएंगे फिर आपको मिलेगा समताप मंडल। ओके, जो समताप मंडल मिलेगा और इसी में लगभग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक ओजोन परत, जिसको O3 के नाम से या ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर जाएंगे फिर आपको मिलेगा दोस्तों समताप मंडल, और ये बाहर मध्य मंडल है दोस्तों, इसमें तापमान गिरता है। ओके, इसमें तापमान गिरता है। मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो हमारा क्षोभ मंडल है इसमें तापमान तेज़ी से गिरता है। ओके, जो समताप मंडल है इसमें स्टार्टिंग में तापमान समान रहता है लेकिन फिर तापमान बढ़ने लगता है। इसमें तापमान बढ़ने का कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो ओजोन परत है उसका होना। ओके, ओजोन परत है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, इसलिए
इस जो मध्य समताप मंडल है उसका तापमान बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्षोभ मंडल है उसका तापमान कम क्यों होता है, तो पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के कारण इस परत का तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। लेकिन जो मध्य मंडल है इसका तापमान फिर से तेज़ी से गिरता है। इसमें तापमान गिरने का कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया या ओजोन परत नहीं होती है जो या तो तापमान को अवशोषित कर सके या फिर रोक सके। ओके, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और बाहर मंडल है दोस्तों, इसका तापमान फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक होता है और यहाँ पर जो सूर्य से किरणें आती हैं उनका परावर्तन और अवशोषण कम होता है और यहाँ पर आयंस होते हैं उनकी अधिकता होती है। आयंस होते हैं वो दोस्तों, वो जब भी सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे वो चार्ज हो जाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें इतनी केवल इन्फॉर्मेशन थी और हम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जो हमारी बुक्स आएंगी उसमें पढ़ेंगे, जैसे आयन मंडल के बारे में और उसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं उनके बारे में। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें इतना ही बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, एक बुक ऐप है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मौसम और जलवायु। इसमें मौसम और जलवायु बताया गया है कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। अब देखिए मौसम की डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो अल्पकालिक समय में, देखिए आप ध्यान से सुनिए की पॉइंट, अल्पकालिक समय में एक छोटे से क्षेत्र में होने वाले वायुमंडलीय परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ओके, और लंबे समय में, लंबे समय मतलब 25 साल, 30 साल, 40 साल। ओके, लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं, मौसम का जो एवरेज होता है दीर्घ समय का और लंबे क्षेत्र का। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि आज का मौसम यार बहुत ख़राब है, लेकिन अब बारिश हो गई, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, या फिर आप मॉर्निंग उठते हैं तो कहते हैं यार मौसम बहुत सुहाना है। ओके, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही धूप निकल आती है हम कहते हैं यार मौसम बहुत ख़राब हो गया। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते ना कि आज की जलवायु बहुत ख़राब है, सुबह की जलवायु बहुत अच्छी थी। आप ऐसे बोलते हैं भारत की जलवायु काफ़ी अच्छी है। ओके, यानी कि जलवायु का मतलब है विस्तृत क्षेत्र से, विस्तृत क्षेत्र से। और भारत की जलवायु है वो एक दिन का, दो दिन का परिणाम नहीं है, वो कई सदियों में निकाली गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की जलवायु अच्छी है, क्योंकि भारत एक बड़ा भूभाग है, साथ में जो भारत की जलवायु वो मौसम है उसका औसत बहुत दिनों में निकाला गया है। ओके, लेकिन मौसम होता है वो समय टू समय चेंज होता रहता है। हो सकता है एक मिनट पहले मौसम अच्छा हो फिर बेकार हो जाए, हो सकता है अचानक बारिश आ जाए, तूफान होने लगे। ओके, तो ऐसा हो सकता है। इसी तरह इसमें तापमान के बारे में बताया गया है। जो तापमान क्या है दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन हम अनुभव करते हैं वही तापमान है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसमें बताई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायु में मौजूद जो ताप और शीतलता है उसी के परिणाम को तापमान कहते हैं। ओके, जो वायु का जो भी टेम्परेचर है कम या ज़्यादा, उसी का जो परिणाम होता है उसी को हम तापमान कहते हैं। ओके, अब देखिए वायुमंडल है दोस्तों, अब इसमें बताया गया कि वायुमंडल का तापमान होता है वो दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के समय जो तापमान होता है वो अधिक होता है और शीत ऋतु के समय तापमान काफ़ी कम होता है। ओके, तो इसमें यही बताया गया। साथ में बताया गया जो तापमान होता है उसको कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे आतपन जो होता है वो भी तापमान को प्रभावित करता है, उसके वितरण को प्रभावित करता है। और आतपन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों बुक ऐप इनको जानना। जो आतपन होता है दोस्तों, अगर सूर्य से, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि ये पृथ्वी है दोस्तों। ओके, अब यहाँ से सूर्य से ऊर्जा आई, मान लेते हैं 100 यूनिट एनर्जी आई, 100 यूनिट में से क्या किया पृथ्वी ने, 50 यूनिट रोक लिया। ओके, और 50 यूनिट वापस भेज दिया। तो ये 50 यूनिट है दोस्तों, यही आतपन या सूर्य ताप है। ओके, जो पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, इसी को आतपन या फिर सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। तो मैंने काफ़ी सिंपल में आपको समझा दिया कि आतपन या सूर्य ताप होता है उसे किसे कहते हैं। ओके, अब इसमें बताया गया है जैसे कि जो सूर्य ताप होता है दोस्तों वो इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे वहाँ पर आतपन का जो मात्रा होती है
वो कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। इसीलिए ध्रुवों के पास में आप देखेंगे 90 डिग्री के पास में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। ध्रुवों के पास में आप बड़ी बड़ी आपको जो बर्फ़ की चादरें देखने को मिलेगी, वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। और जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री के आसपास दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। वहाँ पर हमेशा दोस्तों गर्मी गर्मी पड़ती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक दिया रखा है, वायु दाब। ये देखिए वायु दाब किसे कहते हैं, तो ये सिंपल हुआ एक इकाई क्षेत्र में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या एक इकाई क्षेत्र में। ओके, एक इकाई क्षेत्र में आपको ए वर्ड हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए इसी से सारी डेफिनेशन कैसे बनती हैं। तो एक इकाई क्षेत्र में अब वायु दाब हम देख रहे हैं, तो वायु क्या है इसमें, वायु प्लस दाब। ओके, तो एक इकाई क्षेत्र में वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ओके, अब इसी तरह अगर पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब, अगर वायुमंडलीय दाब, अब देखिए इसमें फिर से दो की पॉइंट है, वायुमंडलीय प्लस दाब। यहाँ पर देखिए सिर्फ वायु था फिर दाब था, तो हमने कह दिया एक इकाई क्षेत्र में वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अब पूछ रहा है वायुमंडलीय दाब। ओके, तब आप यहाँ पर देखिए कैसे डेफिनेशन बनती है कि वायुमंडल के सभी परतों के द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके, कैसे, एक इकाई क्षेत्र में देखिए, एक इकाई क्षेत्र में वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके, तो देखिए कितने सिंपल से बन गया कि जो वायुमंडल है दोस्तों उसकी जितनी भी परतें हैं, जी जैसे इतनी सारी लेयर्स हैं, इसके द्वारा एक इकाई क्षेत्र हम इतना मान लेते हैं, तो इनके द्वारा सभी परतों के द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके, तो वायुमंडलीय दाब, वायु दाब, कुछ भी दाब आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। और एक की पॉइंट है, ओके, तो एक आपने की पॉइंट को पकड़ लिया तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ के की पॉइंट पकड़ सकते हैं। अब आप इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे ना दोस्तों, सेम यही चीज़ बताई जाएगी, कुछ भी अलग नहीं बताया जाएगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई गई है कि जैसे जो वायु होती है, जब वायु का टेम्परेचर बढ़ता है, जब वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, तो वो क्या होगी दोस्तों, गर्म होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगी दोस्तों, हल्की हो जाएगी। जब वो हल्की हो जाएगी दोस्तों, तो जब हल्की होगी तो वो ऊपर उठने लगेगी। ओके, तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब वायु का तापमान बढ़ेगा, जब वायु का तापमान बढ़ेगा तो वायु क्या होगी दोस्तों, हल्की होगी। जब वो हल्की होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर उठने लगेगी। ओके, इसी तरह अगर कोई वायु है उसका टेम्परेचर कम हो जाए, उसका टेम्परेचर कम कर दो तो क्या होगा, वायु भारी हो जाएगी। ओके, जब वायु भारी हो जाएगी तो वो ऊपर की जगह नीचे आएगी और नीचे आकर के बैठ जाएगी। ओके, तो आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि अगर वायु भारी होगी तो वायु नीचे आकर के बैठ जाएगी, और अगर वायु का तापमान बढ़ेगा तो वो हल्की होकर के ऊपर चली जाएगी। ओके, तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। अब साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बताई गई है कि जहाँ पर अब वायु आकर के बैठती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यानी कि उच्च वायु दाब बनता है, और जहाँ जहाँ से वायु ऊपर उठ जाती है वहाँ पर लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब बनता है। निम्न वायु दाब यानी कि जहाँ पर वायु कम है, उच्च वायु दाब जहाँ पर वायु ज़्यादा है वहाँ पर उच्च वायु दाब बनेगा। अब हवा होती है दोस्तों, वो हमेशा कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर कैसे बना, यहाँ पर वायु है वो नीचे आकर के बैठी। ओके, तो यहाँ पर क्या बना, हाई प्रेशर। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरी जगह है लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बना होगा, यहाँ से जो वायु होगी वो ऊपर उठ के आसमान में गई होगी, तो इससे निम्न वायु दाब बना होगा। अब देखिए यहाँ पर वायु कैसे चलेगी, वायु चलेगी दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्योंकि यहाँ से वायु उठ के ऊपर चली गई, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान बचा, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वायु है वो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो इसी के लिए क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ओके, जब वायु होती है, अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट आप ध्यान रखिए, जब वायु होती है वो क्षैतिज दिशा में चलती है, जब वायु होती है वो क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ओके, जब वायु
क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसे पवन कहते हैं। ओके, अब जब वायु ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगी यानी कि ऊपर, तो उसे वायु तरंग बोलते हैं। ओके, तो दो चीज़ें आपकी कवर हो गई, जब वायु क्षैतिज दिशा में चलेगी तब उसे पवन कहेंगे, लेकिन जब वायु यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगी मतलब ऊपर या नीचे जाएगी तब इसे वायु तरंग बोलेंगे। तो आपको दो टॉपिक कवर हो गए, एक वायु तरंग और एक पवन। तो पवन किसे कहेंगे, जो क्षैतिज दिशा में जब वायु चलती है, और जब वायु ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है यानी कि ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो उसे वायु तरंग बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर यही सब कुछ बताया गया है। अब इसमें टाइप्स बताए गए हैं कि पवन कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें बताया गया दोस्तों पवन तीन प्रकार की होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर एक पवने होती हैं स्थायी पवने। स्थायी पवने क्या होती हैं, जो हमेशा एक दिशा में चलती रहती हैं। ओके, जो हमेशा एक दिशा में चलती रहती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। ओके, और दूसरा होता है दोस्तों मौसमी पवने। मौसमी पवने उन्हें कहते हैं जो मौसम विशेष में चलती हैं, जैसे कि भारत में मौसम होता है जून जुलाई के समय मानसूनी पवने भारत में प्रवेश करती हैं। ओके, तो मानसूनी पवने होती हैं वो किसी विशेष समय आती हैं, विशेष समय चलती हैं। स्थानीय पवने होती हैं ये बहुत ही छोटे से क्षेत्र में चलती हैं, जैसे लू। आप अगर उत्तर भारत में रहते होंगे तो आप जानते होंगे वहाँ पर गर्मियों के समय छोटे से क्षेत्र में लू चलती है, तो लोग कहते हैं घर दोपहर में घर से बाहर ना निकलो, बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, उन्हें लू लग जाती है। ओके, और लू से बचने के लिए लोग प्याज रखते हैं। ओके, अगर आप लोग उत्तर भारत में रहते होंगे तो लू के बारे में सुना ही होगा। तो लू है वो एक स्थानीय पवन है और एक छोटे से क्षेत्र में चलती है और किसी मौसम विशेष में चलती है। ओके, और जो मानसूनी पवन और स्थानीय पवन में क्या अंतर है, दोनों मौसम विशेष में चल रहे हैं लेकिन इसका क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो मौसमी पवने होती हैं इनका क्षेत्र बड़ा होता है। ओके, अब ये देखिए जो मौसमी पवने हैं वो कहाँ से, मेडागास्कर से उठ कर के पूरे भारत में आती हैं, उत्तर भारत से लेकर के बंगाल की खाड़ी, गुजरात, हर जगह बारिश करती हैं। तो मौसमी पवने होती हैं वो विस्तृत क्षेत्र में चलती हैं, लेकिन जो स्थानीय पवने होती हैं ये छोटे से क्षेत्र में चलती हैं। ओके, कुछ किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ऐसे एरिया में चलती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो गई, लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर स्थानीय स्थाई पवनों के बारे में बताया गया है। तो स्थाई पवनें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, एक होती है व्यापारिक पवन, दूसरी होती है पछुआ पवन, और तीसरी होती है ध्रुवीय पूर्वी पवन। ओके, ये तीन पवने हैं जो स्थानीय पवने हैं, आप इनको देख सकते हैं। और डोलड्रम इसमें बताया गया, डोलड्रम क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पवने हैं, ये पवने दोनों का अभिसरण इस तरह से होता है, ये व्यापारिक पवने हैं, ये जहाँ पर भी मिलती हैं तो क्या होता है, एक धीमी गति से पवने इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से चलती हैं, तो इसी के लिए डोल ड्रम बोलते हैं। ओके, भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब या फिर डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अगर कोई पूछे कि स्थाई पवने कौन कौन सी हैं, तो एक व्यापारिक पवन है, एक पछुआ पवन है, और तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पूर्वी पवन। ये तीन है, ये स्थाई पवने हैं। और इसी तरह आप मौसमी पवनों के बारे में बता सकते हैं, इसी तरह स्थानीय पवनों के बारे में बता सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, वहाँ से आप जा कर के रिकॉर्ड वो सॉरी नोट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आर्द्रता के बारे में बताया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ओके, जैसे ये वायु है, इस वायु में जितना भी वाटर वेपर पाया जाता होगा यानी कि जल वाष्प होता है, उसी को आर्द्रता कहते हैं, इसी को ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित, ओके, किस में, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ओके, तो आपको आर्द्रता की डेफिनेशन हो गई, वो क्लियर हो गई। अब यहाँ से वर्षा के भी प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए मैं आपको वर्षा किस तरह से आपकी क्लियर करता हूँ, और आप इसको कभी ना भूलेंगे, और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ओके, जैसे दोस्तों जो आर्द्र वायु होती है, ओके, ये आर्द्र वायु है, ये जब दोस्तों ऊपर उठती है, ओके, कहाँ ऊपर उठती है, जब ये ऊपर उठती है तब क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना ही समझ लीजिए, जब वायु ऊपर उठती है तब उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो बढ़ने लगती है। ओके,
जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु की बढ़ती है तो क्या होता है, इससे वायु संतृप्त हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है, वायु संतृप्त हो जाती है, वायु सैचुरेटेड हो जाती है। जब वायु सैचुरेटेड हो जाती है दोस्तों, तो वायु में क्या होता है दोस्तों, वायु में संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। किसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वायु में संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब ये संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तब क्या होता है दोस्तों, जो जल वाष्प होती है, जो वाटर वेपर होता है, वो जल या हिम में बदलने लगता है। ओके, जल या हिम में बदलने लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। ये संघनन की प्रक्रिया है। अब आपने देखा होगा कभी कभार बारिश होती है तो वो बर्फ़ के रूप में होती है, लेकिन कभी कभार बारिश होती है वो जल के रूप में होती है। वो कैसे होता है, जब ये संघनन की प्रक्रिया, ओके, जो ये संघनन की प्रक्रिया अगर 0 डिग्री पर होगी, ओके, 0 डिग्री या इससे कम पर होगी, तब बारिश होगी तो वो हिम के रूप में होगी। किस रूप में होगी, हिम के रूप में होगी। ओके, लेकिन ये संघनन की प्रक्रिया है, ये 0 डिग्री से ऊपर होती है, तब जब बारिश होगी तो वो जल के रूप में होगी। लेकिन कभी कभार मिश्रित भी होती है, तो क्या होता है, कभी कभार जब हिम के रूप में बारिश होती है लेकिन वो नीचे नीचे आते आते आप देखेंगे कि नीचे आते आते वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है और उसमें पानी बन जाता है। लेकिन कभी कभार आप देखे, कई बार देखा होगा कि कभी कभार केवल हिम के रूप में बारिश होती है, केवल ओले गिरते हैं, बारिश नहीं होती। ओके, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जब वायु संतृप्त होती है और संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो संघनन की प्रक्रिया 0 डिग्री या उससे नीचे पर होती है जाकर के, इसलिए हिम के रूप में बारिश होती है। ओके, कभी कभार क्या होता है कि संघनन की प्रक्रिया 0 डिग्री और उससे कम पर, दोनों तरह से हो सकती है, तो वो बारिश भी मिश्रित होती है। ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है इम्पॉर्टेंट दोस्तों, वायु ऊपर कैसे उड़ सकती है। तो वायु ऊपर 3 तरह से उड़ सकती है, यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब यहाँ से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर होने जा रही है। वायु 3 तरह से ऊपर उड़ सकती है। पहला मैंने बताया था, अगर वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो, वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु हल्की होगी। वायु हल्की होगी, जब वायु हल्की होगी तो दोस्तों वो ऊपर उठेगी। ओके, या फिर क्या हो सकता है, रास्ते में कोई अवरोध आ जाए इस तरह से। ओके, जब रास्ते में कोई अवरोध आ जाएगा दोस्तों, तो इधर से मान लेते हैं ऐसे वायु चल रही, तो वो टकरा करके क्या होगा दोस्तों, ऊपर उठने लगेगी। ओके, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं तो वहाँ पर वायु टकरा करके ऊपर उठने लगती है। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों, मान लेते हैं एक पवन पेटी इधर से जा रही है और दूसरी पवन पेटी इधर से आ रही है, तो वो ऐसे टकराएगी। जब इसे टकराएगी तो क्या होगा, ये एक पवन होगी वो ऊपर उठने लगेगी। ओके, एक पेटी पवन की होगी वो ऊपर उठने लगेगी। तो 3 तरह से वायु ऊपर उठ सकती है। नंबर एक, वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु हल्की होगी, ऊपर उठ जाएगी। अब वायु चल रही है, रास्ते में कोई अवरोध आ गया, कोई पर्वत श्रृंखला आ गई, तो वायु ऊपर उठने लगेगी। या फिर तीसरा क्या होगा, दो वायु की जो पेटियाँ हैं वो आपस में आकर के उनका अभिसरण होगा, तो एक वायु की पेटी होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होता है। जो पहला वाला है, जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और फिर बारिश होती है, तो इस तरह की बारिश को संवहनीय वर्षा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। और दूसरा वाला है दोस्तों, जब वायु किसी अवरोध के कारण ऊपर उठ जाती है, तो एक कौन सा अवरोध हो सकता है, पर्वती होते हैं दोस्तों इतने ऊंचे। ओके, तो पर्वत श्रृंखला रास्ते में आ जाती है, तो इस तरह की वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार की है, जो आप देख सकते हैं दो वायु पेटियां होती हैं आपस में आकर के अभिसरण करती हैं, एक ऊपर उठ जाती है, तो इसी के लिए चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल रेन कहते हैं। ओके, तो आप तीनों समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तब इससे संवहनीय वर्षा होती है, अवरोध आ गया तो पर्वतीय वर्षा हो रही है, और दो वायु की पेटियां हैं गर्म ठंडी वो आपस में आकर के मिल रही हैं और एक ऊपर उठ गई तो उससे बारिश होने लगी। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर जो बारिश के प्रकार भी आपने सीख लिए कि वायु ऊपर कैसे उठ सकती है, 3 तरह से उठ सकती है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हैं ये अब आप अपने आप लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ। और मैं भी बोलते बोलते दोस्तों थोड़ा सा थक गया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते, मुँह में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दिया रखा है जल दोस्तों। ओके, जो जल है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा जल है
उसका भी किस तरह से रोटेशन होता है, उसका क्या यूज होता है, किस तरह से हमारे लिए वो उपयोगी है, और जो हमारा जल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, और वो किस प्रकृति का है, लवणीय है या फिर जो मीठा जल है कैसा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक जल चक्र के बारे में बताया गया। जल चक्र किसे कहते हैं? जल का रोटेशन होता है, जैसे जो समुद्रों से मान लेते हैं बाष्पीकरण के द्वारा ये ऊपर उठा, ऊपर उठा और इसमें संघनन की प्रक्रिया हुई और बारिश होकर के ये गया मैदानों में। ओके, यानी कि जो महाद्वीप थे वहाँ गया, और वहाँ से आते आते जो नदियाँ होती हैं उनके सारे फिर से समुद्र में आ गया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक तरह से साइकिल बन गया ना, तो इसीलिए इसे जल चक्र बोल दिया, क्योंकि जल है वो रोटेशन हो रहा है इस तरह से। ओके, तो इसीलिए जल चक्र बोल दिया। इसमें यही बताया गया है कि शायद जो जल है, कभी अमेजन बेसिन में जो जल होगा शायद आज वो भारत में बह रहा हो, या जो आज भारत में जो जल है वो शायद पहले हमें